अरे जेठ जी आप? हाँ वो मैंने देखा तू गिरने वाली है ऊपर से, तो मैंने तुझे एकदम से पकड़ लिया। शुक्रिया जेठ जी, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम थोड़ा सा अपना ध्यान रखा करो, नाजुक शरीर है ना तुम्हारा इसलिए। और हाँ अगर सुनील तुम्हारा ध्यान नहीं रख पा रहा तो तुम मुझे बोल दिया करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। नहीं जेठ जी, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। आज थोड़ा ना मेरा ध्यान भटका हुआ इसलिए था कि आज माँ का फोन आया था और घर में थोड़ी पैसों की दिक्कत चल रही है। क्या पैसों की दिक्कत चल रही है? अरे तुमने मुझे बताया तो होता, कितने पैसे चाहिए बताओ? 10,000। बस 10,000? इतने रुपए की जरूरत थी? अरे दुलारे जरा इधर आइयो। जरा क्या कर रही थी? कुछ नहीं जी, ससुर जी की तेल लगा रही थी पैरों में। अच्छा तुझे मालूम है घर में नई बहू आई है, इसका कौन ख्याल रखेगा? सुनील तो वैसे भी घर पर नहीं रहता, और अभी मुझे इसने बताया कि इसके घर में पैसों की दिक्कत है, पूरे 10,000 की। तू कम से कम थोड़ा बहुत तो पूछ लिया कर इससे, किसी चीज की जरूरत हो तो चल जाए यहाँ से, पैसे ले क्या? जी पैसे कहाँ रखा है? अरे पागल औरत, पैसे कहाँ रखे जाते हैं? तिजोरी में, जा तिजोरी से ले क्या। तिजोरी कहाँ है जी? अपनी अलमारी के अंदर इतना बड़ा संदूक सा रखा हुआ है। अच्छा वो उसे तिजोरी कहते हैं। जा अभी ले। कितने लाने? 10,000। अरे देखा कितनी भोली है तेरी जेठानी, लेकिन तू फिक्र मत कर, तुझे जरूरत पड़ रही है ना पैसों की, मैं दे रहा हूँ ना, लेकिन टाइम टाइम पे जब मुझे जरूरत पड़े ना तब तू आके मुझे दे दियो, समझ गई? जी जेठ जी, मैं आपके पैसे ना टाइम से लौटा दूंगी। अरे नहीं नहीं मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जो सुनील नहीं ले पाता। ले लीजिए जी पैसे। और सुनील क्या नहीं ले पा रहा है जी? अरे इसकी खैर खबर, हमेशा घर से बाहर रहता है, तभी मैं बोल रहा हूँ। और तू क्या सुन रही थी? तेरा कान इधर ही रहते है क्या? चल जा यहाँ से, बाबूजी के तेल लगा। खा खा के मोटी हो गई, अब तो इसके इतने भी गद्दे गद्दे से हो गए हैं। तुम्हें करवाने हैं तो बताओ, और ये लो पैसे। बस जब जब मुझे जरूरत पड़े ना तब तब तू मेरे पास आ जाइए। देख तुझे तो तेरी भाभी की आदत पता ही है, मतलब तेरी जेठानी, वो इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि बहुत भोली है, लेकिन क्या करूं मैं, बस इसी चीज के लिए तो मैं परेशान हूं, इस घर की बारिश के लिए, और बाबूजी का प्रेशर मेरे पे रहता है, तो मैं चाहता हूं कि वो बारिश तू दे, समझी? आप चाहते हैं आपके बच्चे की माँ मैं बनूं? मेरा पति तो एक साल बाद आएगा, गांव के लोग क्या कहेंगे कि पति एक दो साल तक बाहर है और मैं पेट से कैसे? अरे पागल हो क्या तुम, गांव वाले की चिंता तुम क्यों कर रही हो? और वैसे भी पूरे गांव में नाम चलता है मेरा और मेरे बाबूजी का, समझे? तू गांव वाले की फिक्र मत कर, अगर तुझे चिंता ही करनी है ना तो इस घर की बारिश की कर, समझे? जेठ जी मैं समझ गई, मैं अपने घर जाऊंगी पैसे देने के लिए, इससे पहले आप मेरे साथ कर लो। हाँ ये भी बात सही है, लेकिन हाँ तू एक काम करे, बीच बीच में ना अपने पति के पास आना जाना करती रहिए, ताकि दूसरों को ये भी शक ना हो कि तेरा और तेरे पति के बीच कुछ है नहीं, समझी? एक काम कर, मैं तेरी जुठानी को थोड़ा सा अंदर कुछ ला के आता हूँ, तू खोल के तैयार हो जाए यहाँ पे, समझी? आता हूँ। ठीक है।